आखिर गौर से देखिए इस तस्वीर को, आखिर ये पीछे कौन सा जानवर है। जब राष्ट्रीय भवन में पीएम मोदी शपथ ग्रहण ले रहे थे और भारत के सभी बड़े बड़े एक्टर्स भी वहाँ मौजूद थे, और राष्ट्रीय भवन में इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये जंगली जानवर अचानक से ये राष्ट्रीय भवन में कहाँ से आ गया, और इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने इस जंगली जानवर को देखा कैसे नहीं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में अपने तीसरे शपथ ग्रहण के लिए समारोह में शामिल थे। इसके दौरान उसके साथ 71 मंत्रियां भी शामिल थी और शपथ ग्रहण ली, जिसके गवाह करीब 6000 से भी ज्यादा मेहमान बने। और इस दौरान एक बिना बुलाया मेहमान भी वहां पर पहुंच गया, जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि कैसे एक तेंदुआ खुले आम राष्ट्रीय भवन में घूम रहा है, और इसी दौरान जिसमें शपथ को लेकर साइन कराते हुए मंत्री दुर्गा दास दिखाई दे रहे हैं, और इसी दौरान इसके पीछे सीढ़ियों के ऊपर एक जंगली जानवर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वीडियो के थ्रू आप साफ साफ देख पा रहे हो। हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये कौन सा जानवर है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तेंदुआ या फिर बिल्ली की कोई प्रजाति है। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसे रहस्यमय जानवर का मिलना सुरक्षा के लिहाज से चिंता का बात है। एक राहत भरी तो बात यह है कि यह जानवर मंच की ओर नहीं बढ़ा और न ही मेहमानों की भीड़ की तरफ गुजरा। इस वीडियो को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह कौन सा जानवर है जो कि यूं खुले आम और सहजता से राष्ट्रीय भवन के इतने अहम मौके पर घूम रहा है। जानवर की आकृति से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः यह तेंदुआ ही हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद वह कोई पालतू जानवर है। हालांकि इस बात पर कोई पुष्टि अभी तक तो हुई नहीं है कि वो कौन सा जानवर है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि जब हमने शपथ ग्रहण समारोह के लिए डीडी नेशनल का पूरा वीडियो देखा तो यह वीडियो तो सही में निकला। शपथ ग्रहण समारोह के कवरेज में भी यही वीडियो दिखता है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि क्या राष्ट्रपति भवन में जंगली जानवर इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, आखिर सुरक्षा कर्मी कहाँ हैं, कंट्रोल रूम में सुरक्षा कर्मी कहाँ हैं, और सीसीटीवी कैमरे में निगरानी नहीं हो रही है। गोविंद प्रताप नाम के एक यूजर ने लिखा कि यह कौन सा जानवर है। सुशांत नाम के यूजर ने लिखा कि यह कल जो मोदी त्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में हुई सिक्योरिटी चूक में सबसे बड़ी चूक है। कार्यक्रम के दौरान स्टेज के पीछे किसी जानवर को घूमने का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर राष्ट्रपति भवन से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस वीडियो पर क्या कुछ नया खुलासा होता है। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप NSS न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।